ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जो चल रही है जो सरगला राजस्थान के जिला दर्शन और राजस्थान के जिला दर्शन के अंदर आज जो कंप्लीट करेंगे जिला है वो जैसलमेर, और जैसलमेर जिले से जितने भी ऐतिहासिक राजनीतिक भौगोलिक और कला संस्कृति तथा विविध जो बनने वाले जो क्वेश्चन हैं या लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं या आगामी आने की जो संभावना है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें इस सेशन के अंदर कम्प्लीटली अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन शुरू करते हैं जैसलमेर जिला दर्शन। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका जैसलमेर ज़िले का शुभकर क्या है, तो गोडावन। और गोडावन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो जैसलमेर ज़िले के और जैसलमेर ज़िले के मरु राष्ट्रीय उद्यान में विचरण करते हैं, और मरु राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर में और जैसलमेर सबसे ज़्यादा कवर करता है। इसके बाद में एक जिला एक उत्पाद, तो जीरो फाइटिक, और जीरो फाइट का मतलब होता है सूखी जो फ्रूट, इसके साथ सूखे सब्जियां होती हैं, जिस प्रकार केर, जो बेर, खेर, ठीक है ना, तो इस प्रकार की सांगरी, तो ये सारे सारे क्या होते हैं, सूखी जो चीज़ें होती हैं वो जीरो फाइटिक्स के अंदर आती हैं। तो इसके बाद में अपन जैसलमेर की स्थापना किसने की और कब की, तो इसके बारे में देखें, तो स्थापना राव जैसल के द्वारा की गई थी, और 12 जुलाई 1155 में इनकी नींव रखी गई थी। इसके बाद में जैसलमेर के उपनाम, तो पीले पत्थरों का शहर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान और म्यूजियम सिटी, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, ये इनके उपनाम हैं। और जैसलमेर के प्राचीन नाम यानी इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, मांड प्रदेश के नाम से या वल्लभ प्रदेश की या दुंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर में तहसील की संख्या कितनी है, तो 4 हैं। कौन कौन सी, जैसलमेर खुद, फतेहगढ़, पौकण और भनियाणा, तो ये 4 यहाँ की तहसील है। राजस्थान में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 2 हैं, एक जैसलमेर एक पौकण। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, तो जैसलमेर का है। राजस्थान का न्यूनतम विधानसभा वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। और राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी पंचायत समिति कौन सी है, तो जैसलमेर है। और राजस्थान का न्यूनतम पंचायत समिति वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। और आपको ये बता दूं कि लोकसभा निर्वाचित सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो भी जैसलमेर है, तो ये भी आप याद कर लेना। अब अपन चलते हैं जैसलमेर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि सवांगी माता का मंदिर, जो भाटी राजवंशों की कुलदेवी हैं, इन्हें सुगनचिड़ी या सुंगा माता के नाम से भी पुकारा जाता है। अगली माता का नाम है हिंगलाज माता का मंदिर, ये गढ़सीसर जैसलमेर में स्थित है। हिंगलाज माता के इस मंदिर की माता की जो पूजा राजस्थान के क्षत्रिय चाण जाति करते हैं, और हिंगलाज माता का मूल मंदिर का है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान की एक प्रांत यानी एक राज्य है, और यहाँ की जो कैपिटल है क्विटा, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रांत सबसे बड़ा प्रांत है। और आपको पता है राजस्थान, आगे देखो रामदेवरा, तो रामदेवरा यह मंदिर जैसलमेर जिले के पौकण तहसील में, तहसील के निकट रुणीचा, जो वर्तमान नाम इसका रामदेवरा में स्थित है। यह मंदिर राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस मंदिर के पुजारी तंवर जाति के राजपूत होते हैं, और बाबा रामदेव जी के तीर्थ यात्रियों को जातरू कहा जाता है। और रामदेव जी के ने कमड़े पथ चलाया था, और भैरव राक्षस का उन्होंने वध किया, और रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा क्या कहा जाती है, निजा कहा जाती है, वो पुजारी री क्या कहलाते हैं, तथा जागरण को जम्मा कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बहुत बार एग्जाम अब तक आ चुका है बाबा रामदेव जी के बारे में, तो इसको भी इम्पोर्टेंट मानकर आप इसको दोहराकर या फिर नोटबुक में ऐड कर लेना। इसके बाद अमर सागर जैन मंदिर, तो अमर सागर जो तालाब है ये 1871 ईस्वी में, यानी अमर सागर जैन मंदिर का एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसका जो निर्माण करवाया था महाराजा बेरी साल ने करवाया था, और ये जैसलमेर शासक अपने स्वयं को राजा घोषित करने से पहले लक्ष्मी नारायण जी का अपना दीवान मानते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोधरा के पार्श्वनाथ मंदिर, यहाँ पे प्राचीन जो युगल प्रेमी मोमल और महेंद्रा का प्रणय स्थल है, यानी यहाँ पे शादी का स्थल है, मंडप है। और त्रोट माता का मंदिर, आपको पता है कि ये पूजा स्थल BSF के जवान करते हैं, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ के जवान करते हैं। त्रोट माता के मंदिर के सामने भारत पाकिस्तान
का भी युद्ध भी हुआ था 1965 के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान की तरफ से गोली दागे गए लेकिन एक भी विस्फोट नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे एक आराधना का स्थल बन गया, आस्था का स्थल बन गया और ये बीएसएफ के जवान यहाँ की पूजा करते हैं। इसके उपनाम भोजाश्री, सैनिकों की देवी, रुमाली माता, थार की वैष्णो और देगराय आदि के नाम से जान जाती हैं। चुंगी तीर्थ मेला ये जैसलमेर में है। भाद्र शुक्ला चतुर्थ यहाँ गणेश जी का मेला भरता है। और अब अपन दर्शनीय स्थल और पर्यटक स्थल जान लेते हैं। तो जैसलमेर किला जिसे सोनार किला के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण महारावल जैसल ने करवाया था और 12 जुलाई 1155 में उनकी नींव रखी थी। इसकी मृत्यु होने के जाने पर इसका अधिकतर निर्माण कार्य इनके पुत्रों व उत्तराधिकारी शालीन वाहन द्वितीय ने करवाया और जैसलमेर दुर्ग को बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। तो जैसलमेर दुर्ग के उपनाम सोनार किला, त्रिकुट, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, जैसाणा सवर्णगिरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी और त्रिकुटाचल और गोडहरा आदि ये इनके उपनाम हैं। और जैसलमेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाइयां लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है और इस दुर्ग में 99 बुरुज हैं। और इस दुर्ग की एक कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पेड़, लोहे के शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार अक्षय पोल और सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल आदि हैं। और जैसलमेर दुर्ग के जैसल का कुआं भी बना हुआ है। और जैसलमेर दुर्ग पर सत्यरे जो फिल्म बनी है, जो सोनार किले किला नामक स्थल पर यानी फिल्म बनाई गई है, यानी फिल्म की वहाँ पे शूटिंग की गई है। और जैसलमेर दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। लिविंग पोर्ट है कि भी यहाँ पे कृषि भी होती है, यहाँ पे पानी, जलाशय सब चीज़ यानी अंदर ही सुविधा होती है। अंदर ही एक बड़ी तादाद में सैनिक और जनसंख्या यहाँ पे रहती है। इसके बाद ढाई साका यहाँ पे फेमस है और ढाई साका के अंदर राजस्थान में मोस्ट इम्पोर्टेंट ढाई साका जैसलमेर में माने जाते हैं। और जैसलमेर प्रथम साका किसके समकालीन हुआ था, तो यहाँ के तत्काल शासक थे मूलराज और दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिजली के मध्य 1313 या 14 के मध्य युद्ध हुआ और मूलराज ने केसरी किया, इसकी रानियों ने जौहर किया। और आपको मैंने बता दिया कि भी साका किसे कहते हैं, तो साका में आपको दो चीज़ याद रखनी पड़ती हैं कि भी पुरुषों के द्वारा केसरिया किया जाता है और महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है, तब ही साका माना जाता है। जैसलमेर का दूसरा साका रावल दूधा जिसे महाराव दुर्जन साल तथा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मध्य 1357 में युद्ध लड़ा गया था और केसरिया और जौहर भी हुआ था, इसलिए ये दूसरा साका है। तृतीय साका जैसलमेर के राव लूणकर्ण व गंधार के शासक अमीर अली के मध्य 1550 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं किया और इसलिए इसको अर्धशाका कहा जाता है। और इसके बाद बादल विलास, तो ये 5 मंजिल भवन बादल विलास निर्माण पर सिलावटियों से इसे 1830 ईस्वी में जैसलमेर के तत्कालीन रावल महाराजा श्री वेरी साल सिंह ने भेंट किया था। यह ब्रिटिश वास्तुकला की छाप पड़ती हैं, यानी कह सकते हैं कि ये जैसलमेर किले में स्थित हैं। जवाहर विलास महल जैसलमेर की प्रथम ये होटल कहा जाता है, यानी प्रथम होटल ये जैसलमेर का है। और इसके बाद मरु राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हाल ही में चर्चा की अपन करके आए थे, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर विस्तृत है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है और 3162 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में अंकल वुड फोसिस पार्क है और राष्ट्रीय मरु उद्यान में राज्य पक्षी गोडाउन की सनसथली भी कहा जाता है। अगला प्रमुख व्यक्ति तो पढ़ते हैं, सागरमल गोपा आप जानते हैं, इसका जो जन्म जैसलमेर के 3 नवंबर 1900 में हुआ था। और जैसलमेर में सन 1915 में सागरमल गोपा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर सर्वहितकारिणी वाचालय की स्थापना की और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की। और सन 1332 में रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर जैसलमेर माहेश्वरी नवयुक्त मंडल की स्थापना की और 3 अप्रैल 1946 को सागरमल पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया था। कर्णाराम भील बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सागरमल गोपा को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में संभावना होती है यहाँ से प्रश्न उठने की। जैसलमेर के प्रसिद्ध ये है नड़वादक, ठीक है, तो ये कर्णाराम भील किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो नड़वादक। और ये पहले कुख्यात डाकू हुआ करते थे, इसकी जो मूंछ के लिए भी ये फेमस है, 6 फुट 8 इंच की लंबी मूंछ थी। अपवाद तंत्र के बारे में जान लेते हैं, तो यहाँ के एकमात्र जो नदी गुजरती है कांकनी नदी,
इस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है, इसे कांकरी नदी भी कहा जाता है। और आंतरिक प्रवाह वाली सबसे छोटी नदी है, इनकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। और जैसलमेर प्रमुख मीठे पानी की झील बात कर लेते हैं तो भुज झील, अमर सागर झील और गड़सी सेसर झील है, और खारे पानी की एक कावेद नामक झील है। अब जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ, तो पटवों की हवेलियाँ, नथमल की हवेलियाँ, सालिम सिंह की हवेलियाँ, जैसलमेर की छतरियाँ, बड़ाबाग की छतरियाँ, मारौल जैसल सिंह की छतरी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसलमेर के देखें, एक तो मरु महोत्सव जैसलमेर मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा में आयोजित होता है। जैसलमेर चित्रकला शैली में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मूलाधित्य के शासन काल में ये इसका उद्गम माना जाता है। लोधरा की राजकुमारी मूमल मरु महोत्सव जैसलमेर में आज भी मिस मूमल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर चित्रशैली का मुख्य विषय है ये। यहाँ जैसलमेर में हिंडोला नृत्य का और तेरहताली नृत्य भी किया जाता है। तो याद कर लेना हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर का। और तेरहताली आपको बाबा रामदेव की जो जागरण में तेरहताली नृत्य किया जाता है। और जैसलमेर पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 464 किलोमीटर यहाँ की लंबी सीमा है। और उजला ये आखिर निषेध है जो राजस्थान के अंदर 33 आखिर निषेध है, अपन जो पढ़ चुके हैं पहले। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय संत श्री हर वंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में पोखर में स्थापित किया गया था। निम्बे कहाँ है, तो रामदेवरा जैसलमेर। देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ है, तो जैसलमेर में। भारत का पहला भूमिगत प्रमाण जो परीक्षण किया गया था पोखर में 18 मई 1974 के अंदर। और देश का पहला भू वैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ है, तो जैसलमेर में। राज्य में सर्वप्रथम गैस भंडार कहाँ खोजा गया, तो घोटारू जैसलमेर में। राजस्थान का पहला खनिज तेल कुआं कहाँ पे स्थित था, तो तनोट जैसलमेर में। और राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो अमर सागर जैसलमेर में। राजस्थान में नोख, ये ध्यान कर लेना, नोखा है तो वो तो है बीकानेर में, और नोख है वो जैसलमेर में, ये याद कर लेना। सौर ऊर्जा सेंटर यहाँ पे स्थापित किया गया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है, तो रामगढ़ जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर आपको बता दिए कि 3,38,401 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। राजस्थान का सड़कों का न्यूनतम गंतव्य वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। और राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या गंतव्य वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। यानी 13 यहाँ की जनसंख्या गंतव्य है। और राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। और जैसलमेर में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की, जिसका 24 अक्टूबर 2015 को उद्घाटन किया गया था। और राज्य का कम वर्षा वाला स्थान कौन है, सम जैसलमेर। और इसके बाद केकर्स गार्डन कहाँ है, कुलदरा गांव जैसलमेर में। और गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ाबाग जैसलमेर में। और पीला ग्रेनाइट व पत्थर, पीला पत्थर के लिए यानी जो फेमस जो जिला है वो है जैसलमेर में। और 15 दिसंबर 1945 को मेठालाल व्यास ने जोधपुर में और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो आज के सेशन में बस इतने, मिलते अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।